हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद रफीक और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इनविक्टस बाइकर। आज इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे ऑटो एक्सपो 2020। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज उसे लाइक करें, उस वीडियो को आगे शेयर करें, उस पर कॉमेंट करें और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं ऑटो एक्सपो 2020 में। ऐसे ओके गाइस, सो अब आ गए हैं हम अपने फोर्स वाले स्टॉल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ी, इसको आप जानते हैं फोर्स गुरखा के नाम से, बट ये स्टॉक गाड़ी नहीं है, इसको मॉडिफाई किया गया है, जिसमें पीछे जेरी कैंस लगाए गए हैं, ऑफ रोड चौड़े वाले टायर्स लगाए हैं, नीचे का डिफरेंशियल चेंज है डेफिनेटली, क्योंकि इसका ओरिजिनल नहीं हो सकता। एंड इसके जो शॉकर्स वगैरह है वो भी मॉडिफाई किए गए हैं, क्योंकि इसका जो लिफ्ट दिया गया है उसमें स्टॉक वाले सस्पेंशन नहीं लगेंगे। आप देख लो भैया, इस गाड़ी के टायर्स ही कितने बड़े हैं, आपको चढ़ने के लिए पौड़ी चढ़नी पड़ेगी पहले इसमें। एंड इसका दूसरा वर्जन वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा क्या बहुत नीचे है, छोटे टायर्स हैं और ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। तो दिस इज़ अ गुरखा दैट यू कैन बाई फॉर योर डेली यूज़। इसमें सीट्स कुछ इस तरह की हैं, पीछे दो साइड बेसिक सीट्स हैं, फिर दो कैप्टन सीट्स हैं और आगे और दो कैप्टन सीट्स हैं। और ये इसका फ्रंट वाला साइड प्रोफाइल, इसको गुरखा स्टैंडर्ड बोलते हैं। बाय द वे, इसमें मर्सिडीज का FM 2.6 लीटर का CR इंजन लगा है, तो सेम मर्सिडीज का FM 2.6 CR इंजन है इसमें। 90 हॉर्स पावर इंजन में कोई चेंज नहीं है, पावर वही है। बस भैया देखो, आगे ये बुल बार लगाया है, विंच लगाई है, बड़े टायर्स, दूसरा डिफरेंशियल, लिफ्ट किट जिसको बोलते हैं वो लगाया है, ऊपर से रोल केज है इसमें और LED लाइट्स हैं बहुत सारी सामने, फ्लड लाइट्स जिनको बोलते हैं, आर्मी का ग्रीन कलर दिया गया है, वो आपको लगभग 15 लाख तक मिल जाएगी ऑन रोड, या 16 लाख रख लो। और ये देखो 40 लाख की तैयार हो गई है। बट भाई शौक बड़ी चीज़ है, जिस बंदे के शौक बड़े हो वो कीमत नहीं देता। तो मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी खरीद लेता, ये बात तो पक्की है। सो भैया आप फिर से आ गए हैं फोर्स के स्टॉल पे। फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, जिसका मतलब है ये आप कोई डीजल पावर्ड गाड़ी नहीं है, ये 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया है, जो आपकी जेब पे स्टार्टिंग में भारी पड़ेगा लेकिन आगे जाके आपको फायदे मिलेंगे। कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई डीजल नहीं डालना, कोई धुआं नहीं है और लुक इसका बहुत ज़बरदस्त हो गया है, आप खुद देख लें। ये तो भैया इंडिया की गाड़ी लग ही नहीं रही है। बाकी इसकी कीमत और इसकी टॉप स्पीड रेंज वगैरह वो कोई डिटेल यहाँ पे नहीं बताई गई है, बस उसको शोकेस के लिए रखा गया है। और ये आपका इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उसके नीचे ये लगा होता है जो पीछे वाले व्हील्स को ताकत देता है। सो बेसिकली ये मोटर है, बैटरी से कनेक्ट होगा, यहाँ से तार इसमें जाएंगी, कंट्रोल बॉक्स है ये, बाकी अंदर पावर बना के एक्सल में दे देता है, ठीक है। ओके गाइस, तो समथिंग डिफरेंट दैट आई हैवंट सीन इन इयर्स, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये अपनी महिंद्रा मोजो है, इसमें सीट के नीचे छोटी सी बैटरी लगाई है ब्लैक कलर की जो दिख रही है, और मोटर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है इसको हाइब्रिड बनाने के लिए। होता क्या है, ये बाइक जब चलती है और आपकी स्पीड 40 से कम रहती है तो इसका इलेक्ट्रिक मोटर चलता है, और जो ही आपकी स्पीड 40 से ऊपर चली गई तो आप इंटरनल इंजन यूज़ करके बाइक को और आगे ले जा सकते हो, ऊपर की स्पीड यानी स्पीड बढ़ सकती है आपकी। और अगर बैटरी में चार्ज बाकी रहा और स्पीड आपकी कम हो गई तो ये फिर इलेक्ट्रिक बैटरी को यूज़ करके इलेक्ट्रिक मोड में चलेगा। सो जब तक बैटरी का चार्ज रहता है ऐसा होता रहेगा, और जो ही बैटरी का चार्ज खत्म हो गया तो नॉर्मली फिर इंटरनल कम्बशन इंजन पे कंटिन्यू करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी कंपनी की नहीं है, ये ARI वालों की है, इन्होंने इसको पेटेंट किया है। आई एम रियली सॉरी, मेरा गला ख़राब हो गया, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो ये है हमारी महिंद्रा की EKUV 100, जो कि देखने में साइज में ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसी नॉर्मल KUV 100 होती है, बस फर्क इतना है कि ये इलेक्ट्रिक है। इसकी कीमत करीब 8,25,000 है शोरूम वैल्यू। सो देखने में ऑलमोस्ट वैसी ही है बट इतना फर्क है कि इंजन नहीं है, इसमें बैटरी है। थैंक यू। ओके गाइस, तो जो आप देख रहे हैं ये है EXUV 300, रेगुलर XUV 300 जैसी साइज में, बट फ्रंट चेंज है,
बाइक्स आपको इतनी मिल रही है। This is Maruti Suzuki XL6. You can see ये Ortega जैसी है लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी है। टायर थोड़े छोटे लग रहे हैं बट इसमें ऑब्वियसली आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा, डीजल इंजन नहीं है फिलहाल के लिए। एंड इसका जो पीछे वाला टेल लाइट है ना थोड़ा वोल्वो जैसा दिया गया है। और इसमें है 1, 2, 3, 4, 6 सीटिंग कैपेसिटी एसी इंजन और आपको पीछे थोड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। इसका प्राइस 9.8 से 11.6 तक जाता है। सो देयर यू कैन सी इट्स द मोस्ट अवेटेड कार फ्रॉम द मारुति स्टेबल। इट्स कॉल्ड मारुति सुजुकी चिमनी। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुंच रही हो, दैट्स बिकॉज मेरा गला खराब हो गया चिल्लाते चिल्लाते एंड यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। और उसके बाद इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर सकता हूँ। जैसे अगर इसको साइड प्रोफाइल से आप देखो तो बिल्कुल जिप्सी जैसी लग रही है। अभी अभी सब्सक्राइबर्स ने मेरे चैनल का नाम पूछा है एंड लेट्स सी। सो आई एम रियली सॉरी मेरी आवाज़ से ज़्यादा यहाँ पे म्यूजिक लाउड है। सो दिस इज ऑल आई कैन डू वंस अगेन। आप देख सकते हैं गाइस, वंस अगेन मैं मारुति के शॉप पे आया हूँ। यहाँ पे एक गाड़ी आपको दिखेगी तो डेफिनेटली एक प्रोटोटाइप है जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप गाड़ी को देख सकते हो। एंड व्हाट्स अबाउट टू हैपन लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा शो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। गेट रेडी फॉर दिस।